और ये सारा का सारा दरबार सोने से जड़ा हुआ है। ये देखो भाई, वो पूरी पास से दिखा देता हूँ। ये देखो कितना सुनहरी लग रहा है, धूप पड़ रही है ऊपर। दरबार बहुत ही प्यारा लग रहा है। रोपवे के थ्रू जब आप आओगे ना, आपको बहुत ही प्यारा व्यू दिखेगा। आंटी जी दर्शन करने आ रहे हैं। गुफा के दर्शन करने जा रहे हैं माता नैना देवी जी के। इस गुफा की लंबाई लगभग 70 फुट है। अभी लाइट नहीं है तो अभी अंदर जाने के लिए एक नीचे जा रही है, एक ऊपर आ रही है। इस व्यू को देखो भाई, बहुत ही प्यारा व्यू है। मंदिर का रास्ता तो आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा खूबसूरत है। तो चलो इस रास्ते को एंजॉय करते करते मैं आपको बता देता हूँ माता नैना देवी जी के बारे में। तो भाई माता नैना देवी जी का जो मंदिर है, हिमाचल के एक जिले बिलासपुर में पड़ता है। अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हो माता नैना देवी, तो आपको 106 से 107 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी, जो कि आप 2 से 2.5 घंटों में कंप्लीट कर लोगे। और ये मंदिर शिवालिक की पहाड़ियों के बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है। और ये मंदिर सी लेवल से 1177 मीटर की ऊंचाई पर है। मंदिर का जो पहला द्वार है वो पूरा का पूरा चांदी से बना हुआ है। और मंदिर में मुख्य 3 पिंडियां हैं। वैसे तो अगर आप कभी भी आओगे तो मंदिर में आपको हमेशा संगत मिलेगी, लेकिन जो यहाँ पे मेन मेला है वो चैत्र, श्रावण और अश्विनी नवरात्रों में लगता है। इस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा संगत आती है। इसी स्थान पर सती माता जी की आंखें गिरी थी, तभी इसी स्थान को नैना देवी कहा जाता है। मंदिर की खोज एक नैना गुज्जर चरवाहे ने की थी। पुरानी कथाओं के अनुसार माता नैना देवी जी ने नैना गुज्जर चरवाहे के सपने में आकर उनको यहाँ पे मंदिर बनवाने के लिए कहा था। तो भाई बात करते करते अभी हम पहुंच गए हैं माता नैना देवी जी के बिल्कुल फ्रंट गेट पे, जहाँ से माता नैना देवी जी का मंदिर शुरू होता है। तो चलो चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं आज माता नैना देवी जी के। तो अभी हम पहुंच गए हैं नैना देवी जी की मेन पार्किंग तक। यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। यहाँ पे आपको डायवर्जन देखने को मिलेगा, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ अगर आप राइट की तरफ जाओगे तो आप वहाँ बस स्टैंड की तरफ चले जाओगे, और अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो आप नीचे से होके निकलोगे और ऊपर तक आपकी कार जाएगी। यहाँ पे भी आप अपनी कार पार्क करके यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको इस पार्किंग में कार लगानी है। लेकिन अभी हम आगे ही जा रहे हैं तो हम इस साइड से निकल रहे हैं और हम कार ऊपर तक ही लेके जाएंगे। तो अभी हम टॉप तक ही जा रहे हैं अपनी कार लेके। 3 किलोमीटर देखो सामने लिखा हुआ है श्री माता नैना देवी, यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर और है तो आप बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाओगे। आपको सिर्फ थोड़ा सा ही पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं आपको चलना पड़ेगा। लेकिन ये रास्ता नैरो है तो यहाँ पे ध्यान से ड्राइव करना। अगर आप आते हो 4-व्हीलर पे भी आते हो या आप अपने 2-व्हीलर पे आते हो तो ध्यान से ड्राइव करना इस रास्ते पे। आप देख ही सकते हो सामने रास्ता थोड़ा नैरो है, लेकिन रास्ता अच्छा बना हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पक्का रास्ता है ये। आप देख ही सकते हो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब ऊपर जाके देखते हैं कि पार्किंग की क्या फैसिलिटी है और उसका प्राइस कितना है, वो आपको सभी अभी मैं डिस्कस करूंगा आगे वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको प्रॉपर तरीके से सारी जानकारी देने वाला हूं मैं। अगर आप नैना देवी आते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भाई अभी हमने यहाँ पे कार पार्क कर दी है और पार्किंग हमने लगा दी है यहाँ पे। कार बड़ी खुली डुली पार्किंग मिल गई है, बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। और पार्किंग का प्राइस है 100 रुपीज़। तो अगर आप पार्किंग लगाना चाहते हो ऊपर आके तो इस पार्किंग में लगा सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग पार्किंग मिल भी जाएंगी, यहाँ से आके और भी है, लेकिन सबका प्राइस 100 रुपीज़ ही है। तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो। पार्किंग हो गई है और सामने व्यू चेक करवाता हूँ भी मैं। देखो पार्किंग से ये डैम का व्यू दिख रहा है। अभी आपको आगे जाके प्रॉपर क्लियर दिखाऊंगा। अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा पैदल चल के जाना है आगे। रास्ते में मार्केट दिखाते हैं आपको, और जो भी है नैना देवी के दर्शन करने से पहले रास्ता है वो आपको मैं सारा एक्सप्लोर करवाऊंगा, सारी मार्केट। ये जो मेन चौक है, यहाँ से ऊपर को जाएंगे अभी हम, वहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। और यहाँ पर आप खाना पीना भी खा सकते हो, आपको लंच डिनर ब्रेकफास्ट करना है तो यहाँ पर शॉप्स भी हैं। ये देखो ऐसे इस तरीके का रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप खा पी सकते हो। आओ आगे निकलते हैं और यहाँ से यात्रा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शॉप्स देखो कितनी सारी हैं, और यहाँ से भाई व्यू चेकआउट करो कितना प्यारा लग रहा है। वो उसका स्टेशन है रोपवे का सामने, वो देखो। तो अगर आप वहाँ से आना चाहो तो रोपवे से सीधा ऊपर दरबार तक आ सकते हो। अभी दरबार में जाने से पहले आपको इस तरीके की मार्केट मिल जाएगी। यहाँ पर आप छोले भटूरे ये सब कुछ खा सकते हो, गन्ने का रस पी सकते हो, खिलौने ले सकते हो बच्चों के लिए, और ये सारी फ़ोटोज़ वगैरह। और यहाँ जाने से पहले आपको एक बार मैं व्यू दिखा देता हूँ। वो है ये डैम का व्यू है, ये चेकआउट करो भाई। तो यहाँ पे पक्का फ़ोटो क्लिक करवा के जाना अगर आप दर्शन करने आ रहे हो। ये देखो ये व्यू चेकआउट करो कितना प्यारा लग रहा है, और वो रोप पे जाते हुए भी कितनी अच्छी लग रही है। और ये देखो भाई
तो ये बिल्कुल टॉप पे आके ना नैना देवी के, जहाँ से ये मार्केट स्टार्ट होती है, ये देखो ये मार्केट स्टार्ट होती है ना, अभी हम वहाँ से आए हैं। तो ये व्यू आप चेकआउट कर सकते हो। और कुछ लोग रोपवे के थ्रू भी ऊपर आ रहे हैं, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। अरे रोपवे ना, एक नीचे जा रही है एक ऊपर आ रही है। रोपवे के थ्रू जब आप आओगे ना, आपको बहुत ही प्यारा व्यू दिखेगा। ये पूरा डैम का व्यू है। तो पहाड़ी से कूड़ा कचरा फेंकना सख्त मना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो इस चीज़ का पक्का ध्यान रखना, यहाँ पे खड़के भाई नीचे मत फेंकना कुछ भी। तो अभी इस व्यू को एंजॉय करते हुए अभी हम आगे निकलते हैं और आपको मैं पूरा बाजार दिखाता हूँ। कुछ लोग इस तरीके से भी दर्शन करने जाते हैं, माता के श्रद्धा होती है अपनी अपनी सबकी, जिनकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं और जिन्होंने कुछ मन्नत मांगी होती है तो वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ से दरबार का रास्ता है और यहाँ से है गुफा का रास्ता, और बिल्कुल गुफा के साथ में ही ये है गुफा का रास्ता। और यहाँ पे है रोपवे, ये है रोपवे फैसिलिटी पैसेंजर। यहाँ पे प्राइस लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। टोटल 185 रुपीस है टू वे, वन वे 130 रुपीस, और चिल्ड्रन का 3 से 12 साल के बच्चे का प्राइस है 85 रुपीस, टू वे एंड वन वे है 60 रुपीस। हैंडीक्राफ्ट के लिए बिल्कुल फ्री है ये फैसिलिटी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, अगर आप कभी भी आओ तो उसके बजट के हिसाब से आप यहाँ पर आ सकते हो। प्राइस मैंने आपको बता दिया है, तो इसके अंदर आप बैठ के आराम से दर्शन करने आ सकते। तो चलो अभी हम सबसे पहले आपको दर्शन करवाते हैं माता नैना देवी जी की गुफा जो यहाँ पे है। तो ये रास्ता है गुफा दर्शन रास्ता, इधर से जाएंगे नीचे। तो भाई अभी हम गुफा के दर्शन करने जा रहे हैं माता नैना देवी जी के। और यहाँ से जो ये पॉइंट है ना, यहाँ से आपने शूज़ रिमूव कर देने हैं, ठीक है यहाँ पे। तो आगे शूज़ लेके नहीं जा सकते। यहाँ पे पानी की फैसिलिटी भी है, कूलर लगा हुआ है, तो किसी ने पानी पीना है अपनी बोतल को रिफिल करना है यहाँ से कर सकता है। तो चलो अभी सबसे पहले दर्शन करने जाते हैं, और एक बार मैं यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो भाई व्यू चेकआउट करो, यहाँ से कितना प्यारा व्यू है ये डैम का, और ये नीचे वैली कितनी प्यारी लग रही है। तो भी अब गुफा के दर्शन करते हैं। तो भाई यहाँ से गुफा की एंट्री, और ये गुफा के बारे में कुछ लिखा हुआ है, प्राचीन गुफा। इस गुफा की लंबाई लगभग 70 फुट है। तो ये है एंट्री, आ जाओ चलते हैं अंदर। तो एक भाई गुफा के दर्शन करो माता जी के। अभी लाइट नहीं है तो भी अंदर जाने के लिए मना करा हुआ है, वैसे आप अंदर भी जा सकते हो, लंबाई मैंने आपको बता दी है। तो अभी लाइट नहीं है तो अंदर जाने के लिए मना करा है। यहाँ से दर्शन करके पक्का जाना जब भी नैना देवी माता आते हो। ये गुफा के दर्शन, ये गुफा बहुत लंबी है आगे तक। तो ये तो थे नैना देवी माता के गुफा के दर्शन, होप करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अभी हम मेन नैना देवी माता के दर्शन करते हैं ऊपर जाके, आ जाओ। तो अभी हम गुफा के दर्शन करके आ गए हैं इधर से, तो राइट की तरफ निकलेंगे आगे। और देखो भाई यहाँ पे संगत आ रखी है, गोलगप्पे स्टॉल लगे हुए हैं जगह जगह, ये बेर, ये देखो भाई यहाँ पे आप खा पी सकते हो दर्शन करके जब आओगे, है ना। आओ अभी यहाँ से जो मार्केट है मेन वो स्टार्ट होगी है दरबार की, बहुत ही प्यारी और अच्छी मार्केट है। यहाँ से सबसे पहले हम भी प्रसाद लेते हैं मत्था टेकने के लिए, और आगे चलते हैं प्रसाद ले लिया। और यहाँ से आप चुन्नी भी ले सकते हैं माता के लिए। तो देखो भाई ये मार्केट सारी एंड तक बहुत बड़ी मार्केट है, और जगह जगह यहाँ पे ना टेबल्स भी लगे हुए हैं बैठने के लिए अगर आप रेस्ट करना चाहो, ठीक है। तो देखो कितनी प्यारी मार्केट है जाते हुए ये ऊपर तक। आओ भाई और यहाँ से व्यू चेकआउट करो, वो देखो कितना सही लग रहा है, मार्केट में से व्यू है सारा। और यहाँ पे स्वीट शॉप भी है। तो इस मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, हर एक तरह की फैसिलिटी, स्वीट शॉप, खाना पीना, प्रसाद, ठीक है, बच्चों के खिलौने, हमारे खाने के लिए सब कुछ है। तो यहाँ पे एटीएम भी है भाई एचडीएफसी बैंक का। तो आंटी जी दर्शन करने आ रहे हैं माता के। कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये मार्केट कैसे लगी नैना देवी जाते हुए। बहुत ही प्यारा सा बाजार है और बड़ा ही नैरो सा है लेकिन अच्छा है,
आपको घूम के बहुत अच्छा लगेगा जब आप यहाँ से निकलोगे दर्शन करने के लिए, बहुत मज़ा आएगा। ये देखो कितने पैर पर है, पर्स पड़े हैं बच्चों के। यहाँ से भी थोड़ा सा ही ऊपर रह गया है और आगे जाके अभी आपको मेन गेट दिखाऊंगा दरबार का। दरबार में जाते हुए ना रास्ते में बाजार में आपको होटल भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। ये देखो रूम्स अवेलेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो अगर आपने रुकना है। आओ अभी आगे चलते हैं। AC नॉन AC सारे तरह के रूम्स हैं। जो टैरिफ होएगा वो ऑफ सीज़न में तो आपको 1000 से 1500 में मिलेगा, और सीज़न में आपको 2000 से 2500 तक पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलो आओ जी। तो कुछ लोग जो नहीं आ सकते उनके लिए पालकी फैसिलिटी भी है यहाँ पर। देखो इस तरीके से पालकी फैसिलिटी भी है, आप जा सकते हो। तो ये देखो भाई, ये जो मेन एंट्रेंस है दरबार की, वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पे इस साइड भी शॉप्स हैं, सीधर भी और इधर, और सामने है ये दरबार की एंट्री। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, जो हमको नीचे से दिख रहा था ना आते हुए जब हम ड्राइव करके आ रहे थे। तो आज संगत नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा नहीं है। कुछ ही दिनों में नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, क्या पता आप मेरी वीडियो नवरात्रों में देख रहे हो तो उस टाइम पे बहुत संगत होगी। तो हम पहले दर्शन करने आ गए हैं। सामने व्यू देखो दरबार का कितना प्यारा लग रहा है। तो ये देखो भाई, तो हम बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं दरबार के। तो ये देखो भाई, फूल चाहिए यहाँ से ले सकते हो। और ये है दरबार की एंट्री, देखो कितनी प्यारी लग रही है। और ये जितना भी एंट्रेंस है ना, ये चांदी की बनी हुई है भाई, और ये गेट भी। तो चलो अभी अंदर चलते हैं। अभी मैंने दर्शन कर लिए हैं माता के, और अभी मैं निकला ही हूँ यहाँ से जस्ट। और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत ही प्यार से दर्शन हुए हैं, दर्शन करके बहुत आनंद आया। और ये देखो भाई, अभी माता का दरबार दिखा रहा हूँ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। सारा दरबार सोने से जड़ा हुआ है ऊपर, यहाँ से ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है दरबार माता का। और ये सारा का सारा दरबार सोने से जड़ा हुआ है, ये देखो भाई, वो पूरी पास से दिखा देता हूँ। ये देखो और कितना सुनहरी लग रहा है, धूप पड़ रही है ऊपर, और दरबार बहुत ही प्यारा लग रहा है, और लोग दर्शन करके आ रहे हैं। तो यहाँ आप खड़ोगे जैसे ही, ये देखो भाई यहाँ से आपको पूरी वैली दिखेगी, उस साइड वो डैम। और अभी हम इसी रास्ते से होते हुए सामने से आए हैं, ये देखो अभी हम जब यहाँ से आ रहे थे तो पूरी पहाड़ी के दर्शन हो रहे थे माता के। और यहाँ से ये है माता का दरबार जो दूर से दिखता है। एक और चीज़ दिखाता हूँ, लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर भी फ़ोटोज़ खिंचवा के जाते हैं। ये हवन कुंड है, यहाँ पे भी आप पहले दर्शन मत्था टेकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इस गेट के ऊपर लोग मत्था टेकते हैं और यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं। और इस गेट का एक और भी हिस्ट्री इतिहास है, जो हमने मूवी देखी होगी जियोना मोड़, जिसका किस्सा है पंजाब का, जो प्रसिद्ध किस्सा है जियोना मोड़ का। तो वो एक डाकू था, उसने पुलिस से बचने के लिए यहीं से छलांग लगाई थी। उसके बारे में डिटेल में भी आपको मैं अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा, लेकिन ये वही जगह है जहाँ से जियोना मोड़ ने नीचे जंप करी थी। तो भाई ये था माता नैना देवी दरबार का दर्शन मेरे साथ, और आज का आपको मैंने पूरा व्यू दिखाया। तो होप करता हूँ मेरे साथ दर्शन करके आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सबको बाय बाय।